हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार, मैंने कल ब्लॉग अपलोड किया था तो मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि भाई आप अपना इंट्रो दो। तो आज के ब्लॉग में मैं अपना करने वाला हूँ पूरा इंट्रोडक्शन। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम शेबी है, मेरे पापा शॉपकीपर हैं, हमारी अपनी शॉप है, और मेरी मामा हाउस वाइफ हैं, घर का काम वगैरह वो करती हैं। मेरी 6 सिस्टर हैं, मैं अपनी बहनों का इकलौता भाई हूँ। तो आप लोगों को पता है कि एक होना भी बहुत गनीमत होता है, बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब बहुत प्यार करते, बहुत अच्छे से रखते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन 2nd ईयर है, अभी कंप्लीट हुई है 2nd ईयर, और आने वाले रिजल्ट, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा उसका भी मैं ब्लॉग ज़रूर बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। इंशाल्लाह उसका ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा और जल्दी मिलेगा। आप लोग दुआ करेंगे रिजल्ट अच्छा है। और तो मुझे लेना, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रिजल्ट आ जाए तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं फारिग हूँ, मैं जाता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसका प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना है तो व्लॉग में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, प्रोजेक्ट बना के तैयार करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। उसकी मिलेगी मुझे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। आप लोग भी दुआ करें कि अच्छे पोजिशन से मैं पास हूँ। और मैं कुछ काम वगैरह करता नहीं हूँ, सारे दिन घर में रहता हूँ, बाबा के पैसे का खाता हूँ। फिलहाल बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाब करे मुझे और आप सब लोगों को भी कामयाब करे, आप लोग जिस जिस मिशन में हैं। और मैं रहता कहाँ हूँ ये भी कुछ मुझे कमेंट्स आए थे। मैं रहता हूँ कराची में। अब कराची में कौन सी जगह में रहता हूँ मैं ये तो नहीं बताऊँ आप लोगों को, बट मैं कराची में रहता हूँ। और मुझे ड्राइविंग भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए। हमारे पास अपनी गाड़ी थी लेकिन अभी सेल कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। और डेली रूटीन तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया होगा कि मैं सुबह उठता काफ़ी लेट हूँ, फिर कॉलेज वगैरह जाता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम बहुत मुश्किल से निकालना पड़ेगा आप लोगों के लिए, लेकिन व्लॉग नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी होगा और डेली व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। और किसी ने कमेंट से भी किया था कि भाई आप अपना व्लॉग किस ऐप से एडिट करते हैं, तो यार मैं कोई कैप कट वगैरह यूज़ नहीं करता। मैं कैप कट बहुत कम यूज़ करता हूँ, जब अपनी टिकटॉक वगैरह बना रहा होता हूँ तो अगर फिल्मों वगैरह डालना हो, कोई सॉन्ग डालना हो लॉन्ग, तब मैं यूज़ करता हूँ कैप कट। लेकिन मैं जो व्लॉग एडिट करता हूँ, वो मैं एडिट करता हूँ एडोब प्रीमियर से, जो बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है और उसको चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें कामयाब हो जाऊँगा। इस वजह से मैं एडोब प्रीमियर में कोशिश करता हूँ कि अपना व्लॉग एडिट करूँ, वरना आजकल तो ज़्यादातर व्लॉग एडिट कर लेते हैं सब कैप कट वगैरह में, लेकिन मैं कैप कट में नहीं करता हूँ। आता है मुझे कुछ, आप लोगों को पता है कुछ देर नहीं लगता कुछ सीखने के लिए, बंदा हर चीज़ सीख ही जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एडोब प्रीमियर में अपना व्लॉग एडिट करूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, क्योंकि कल को जाके उसी चीज़ की डिमांड है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो। कैप कट तो आजकल मोबाइल में सब डाउनलोड करके अपना व्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं, लेकिन एडोब प्रीमियर का कोई ऐसा सीन नहीं है, वो आप लैपटॉप में ही एडिट करना पड़ता है और उसके लिए हैवी वर्जन चाहिए होता है लैपटॉप में उसको डाउनलोड करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एडोब प्रीमियर में ही अपनी सारी व्लॉग एडिट करूँ और अच्छे से अच्छे एडिट करूँ। तो अभी मेरी एडोब प्रीमियर की क्लासेस चल रही है, आप लोगों को मैंने कुछ व्लॉग में दिखाया भी था कि मेरी एडोब प्रीमियर की क्लास चल रही है, इंशाल्लाह वो कम्प्लीट हो जाएगा तो इससे अच्छे से अच्छा व्लॉग मैं एडिट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं बार बार नीचे क्यों देख रहा हूँ, आप लोग समझेंगे मैं कुछ देखकर आप लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं है। लैपटॉप में मुझे बार बार मैसेज आ रहा है किसी काम की वजह से, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ, मैसेज भी आ रहा है और फिर वीडियो भी बना रहा हूँ। आजकल की डिमांड ही कंप्यूटर की है,
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसा सीखें जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। बाकी तो सब चीज़, हर चीज़ की वैल्यू होती है, लेकिन आजकल के दौर में कंप्यूटर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग भी कंप्यूटर सीखें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें। तो मैंने आप लोगों को अपने बारे में सब चीज़ बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो मुझसे रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलें, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, अब आपको पता है बंदा डेली ब्लॉग जब बनाता है, डेली रूटीन अपनी बताता है, तो अचानक से वो कैमरे के सामने आ गए, ऐसे बैठे काम भी करे और वीडियो भी बनाए, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता। आप लोग भी मुझे देख रहे होंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज दिख रहा हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।